नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल ऑटोमेशन हब सार्थक में आप लोगों का स्वागत है। और गिट और गिटहब का वीडियोस जारी रखते हुए आज हम अपने पहले गिट प्रोजेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे और सारा कोड करेंगे। हम देखेंगे कि कैसे हम लोग लोकल से स्टेजिंग पे आते हैं, स्टेजिंग से हम लोग रिपोजिटरी पे जाते हैं। तो आज का हम वीडियो चालू करते हैं और आपको आर्किटेक्चर भी समझ में आएगा, कुछ इनिशियल कमांड्स भी आपको बताऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पे अपने डेस्कटॉप पे आप देख रहे होंगे एक माई प्रोजेक्ट नाम का एक फोल्डर बना रखा है। सिंपल सा फोल्डर है, उसमें मैंने 5 फाइलें टेक्स्ट फाइल बना दी है। मान लीजिए कि आप जावा में कोड करते हो, पीएचपी में, पर्ल में, पाइथन में कोड करते हो और आपके आईडी का वर्कस्पेस लोकेशन ये है, मान लीजिए, ठीक है, और आपका पूरा का पूरा प्रोजेक्ट इधर है, ठीक है। तो ये आपके 5 अलग अलग प्रोजेक्ट नहीं है, एक प्रोजेक्ट के 5 अलग अलग फाइल हैं, पकड़ लो ऐसे, मान लो 10-12 आपके फाइल्स हैं। देखिए, गिट को यूज़ करने के लिए आप यहाँ से कमांड प्रॉम्प्ट पे जाके भी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना होगा, ये जो आपका पाथ है, ये पाथ देके आपको यहाँ से आप गिट रन कर सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं करना, क्योंकि यहाँ से ना बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि सेम कलर में आता है ब्लैक एंड वाइट, बहुत सारी चीज़ें हमको पता नहीं चलती जो हम गिट बैश यूज़ के कर सकते हैं। लेकिन ये भी तरीका काम करता है, आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी गिट यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मुझे नहीं करना, मुझे गिट बैश का टर्मिनल यूज़ करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ से निकल लेता हूँ। अब चलिए, अभी इस प्रोजेक्ट में गिट बैश यूज़ करने के लिए हमें क्या करना है, ठीक है। तो राइट क्लिक कीजिए, कहीं पर बाहर भी राइट क्लिक कीजिए, यहाँ पर एक गिट बैश हियर है, गिट बैश हियर पर क्लिक कीजिए, गिट GUI हियर पर मत क्लिक कीजिए, गिट बैश हियर पर क्लिक कीजिए। जैसे ही आप गिट बैश शेयर पे क्लिक करेंगे तो गिट बैश का टर्मिनल आपका ओपन हो जाएगा और ये बाय डिफ़ॉल्ट बता देगा कि आप कहाँ पर हो, कौन से, मेरा ये एसूस लैपटॉप है और मैं इस वन ड्राइव में डेस्कटॉप माई प्रोजेक्ट पे हूँ। तो मैंने माई प्रोजेक्ट फोल्डर बना रखा है और मैं डेस्कटॉप पे एसूस वन ड्राइव पे हूँ। तो ये पाथ पूरा बता दिया, ठीक है। चलिए, तो हम पहले अभी शुरू करते हैं। गिट का जो सबसे पहला कमांड और काफ़ी इंपॉर्टेंट कमांड है, ये सबसे पहला, इसको आप तवज्जो दीजिए, पहला प्रायोरिटी 1, ये कमांड आप हर जगह यूज़ करेंगे, बार बार यूज़ करेंगे, लगातार यूज़ करेंगे। आपको पता चलना चाहिए कि क्या है, इस कमांड का नाम है गिट स्टेटस। जैसे ही आप गिट स्टेटस मार के एंटर दबाते हैं तो आपको ये गिट स्टेटस के कमांड की वजह से कुछ रिस्पॉन्स आएगा। यहाँ पर हमारा क्या रिस्पॉन्स आया, फेटल नॉट ए गिट रिपोजिटरी और एनी ऑफ द पेरेंट डायरेक्टरीज डॉट गिट। इसका मतलब ये है कि यहाँ इस प्रोजेक्ट का गिट के साथ कोई कनेक्शन नहीं हुआ है अभी तक, तो कनेक्शन करने के लिए हमें इनिशियलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे हम लोग कोई भी वेरिएबल इनिशियलाइज करते हैं फिर उसके बाद कोड करते हैं, वैसे ही यहाँ पे गिट को हमें कनेक्ट करना पड़ेगा, इनिशियलाइज करना पड़ेगा। तो दूसरा कमांड याद रख लीजिए, गिट इनिट, मतलब गिट को हम इनिशियलाइज कर रहे हैं। आप ध्यान से मेरे स्क्रीन को देखिए, जैसे मैं एंटर दबाता हूँ, देखिए एक डॉट गिट हिडन फोल्डर भी ऊपर आ गया तुरंत, और यहाँ पर आपको एक रेस्पॉन्स भी आया, वो क्या लिखा, इनिशियलाइज्ड एम्प्टी गिट रिपोजिटरी इन सी ड्राइव जो भी है डॉट गिट। ये डॉट गिट एक हिडन फोल्डर होता है दोस्तों, मैं इसके बारे में अगले वीडियो में विस्तार से बताऊंगा। बस इतना ध्यान रख लीजिए कि जैसे ही आप गिट इनिट कमांड देते हैं, बाय डिफॉल्ट डॉट गिट हिडन फोल्डर उस पर्टिकुलर लोकेशन पे क्रिएट हो जाता है। और एक चीज़ दोस्तों, एक बार आपने गिट इनिट कर लिया, दोबारा आप बार बार गिट इनिट मत कीजिए, ओवरराइट कर देगा, आपका काम खराब हो जाएगा। तो ये एक बार है, गिट स्टेटस को आप चाहे 1000 बार कर लो, गिट इनिट भैया एक बार करोगे, मैं बार बार इसको ध्यान में रख लो, गिट स्टेटस को आप कितनी बार भी बुलाओ चलेगा, गिट इनिट एक बार कर दिया तो बस एक बार कर दिया, दैट्स इट। गिट इनिट को बार बार नहीं यूज़ करने का, ठीक है। बस ये गिट स्टेटस और गिट इनिट कमांड्स में ये दो फर्क है भैया, गिट स्टेटस को कितनी बार यूज़ करना है कर लो, गिट इनिट को एक बार यूज़ करेंगे आप जब तक आप उस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं। बाद में मत बोलना कि मैंने दोबारा गिट इनिट कर दिया तो मेरा सब कुछ खराब हो गया, ठीक है। चलिए, अभी मैंने क्या बोला था, गिट स्टेटस को आप बार बार यूज़ करेंगे। पहली बार जब गिट स्टेटस हमने लगाया तो बोला कुछ नहीं है, फेटल है, कुछ है ही नहीं, फिर हमने इनिशियलाइज कर दिया। अभी चेक करते हैं कि क्या है इस प्रोजेक्ट के साथ गिट का रिलेशनशिप। देखिए, ये बोल दिया कि ऑन ब्रांच मास्टर कोई अभी तक कमिट हुआ नहीं है, नो कमिट सेट, और उसने खुद बोल दिया कि ये 5 फाइल हैं, फाइल 1, फाइल 2, फाइल 3 अप टू 5, फाइल 4, 5,
तो आप इन ये अनट्रैक्ड है, इनका कोई ट्रैकिंग नहीं हुआ है, बस गिट को ये इतना पता चला है कि भैया यहाँ पे 5 फाइल हैं जो एकदम नए हैं, इनको आपके आपने कुछ भी नहीं किया तो अनट्रैक्ड हैं। तो और ये सजेशन भी देता है, देखिए यहाँ पे सजेशन दिया कि यूज़ गिट ऐड, ऐड करो भैया आगे बढ़ने के लिए ऐड करो, ठीक है। नथिंग एडेड टू द कमिट बट 5 रुए हैं, तो ये यहाँ पर भी सजेशन दिया कि भैया ऐड करो। तो चलो आप बोलोगे ठीक है, मैं फाइल 1 को मेरा कंप्लीट हो चुका है, अभी ये चारों फाइल के काम अभी मेरे बाकी हैं, मैं सिर्फ फाइल 1 को ही आगे ऐड करना चाहता हूँ, मैं अभी बाकी चारों को टच नहीं करना चाहता। सिंपल, गिट ऐड file1.txt, पाथ सेम रखना, और यहाँ पर ज़्यादा स्पेस मत रखना, जैसे file space 1 space मत रखना, ऐसे एक फाइल का नाम ऐसे ही कन्वेंशन में रखना ताकि गिट को बराबर समझ में आए, क्योंकि गिट क्या करता है, स्पेस को एक वो ले लेता है, एक कैरेक्टर ले लेता है, और फिर जो फाइल नेमिंग कन्वेंशन में ना स्पेस होता है ना, गिट उसमें लफड़े करता है, बोलता है कि इसका ये नहीं मिला वो नहीं मिला, तो आप डालना ही मत, ऐसे ही बराबर रखो, ठीक है। आप इंटर मार दो, ठीक है, ऐड हो गया। अब ऐड हुआ कि नहीं हुआ हमें पता नहीं चला, कोई एरर मैसेज तो नहीं थ्रो किया, तो अगर पता ही नहीं चला तो क्या करोगे, गिट स्टेटस, भैया गिट स्टेटस है ना हमको हर जगह हेल्प करने के लिए, करो उस गिट स्टेटस। लो भाई यहाँ पर गिट स्टेटस करते ही आपको पता चल गया कि क्या हुआ। देखिए ये क्या बोला, गिट यूज गिट RM कैशेड फाइल टू अनस्टेज, मैं बताऊंगा क्या है, यूज गिट एड फाइल टू इंक्लूड वट विल बी कमिटेड, मतलब जो ग्रीन में हुआ ना उन्होंने बोल दिया कि भैया हाँ आपने ग्रीन वाले को ऐड कर दिया, और ये 4 रेड फाइल्स जो रेड में दिख रही हैं, file 2, 3, 4 अभी भी अनट्रैक्ड हैं, इनको आपने ऐड नहीं किया है। अभी मैं आपको पिछले वीडियो में बताया था कि ये आर्किटेक्चर का क्या सीन है। अभी देखिए लोकल में पहले आपने क्या किया, मैं इसका थोड़ा छोटा कर देता हूँ, 14, पहले आपने क्या किया, गिट स्टेटस चेक किया, ठीक है, फिर आपने क्या किया, इनिशियलाइज कर दिया, ये सब आप लोकल पे कर रहे हैं, ठीक है, फिर आपने क्या किया, गिट को ऐड कर दिया उस फाइल नेम के साथ, इतना आपने किया अभी तक। तो जैसे ही आपने ये फाइल नेम के साथ ऐड कर दिया, तो ये वाला जो फाइल है ना file1.txt, ये भाई साहब जा चुके हैं स्टेजिंग में, तो बट ये चारों अभी भी लोकल में है। तो अभी समझ में आया स्टेजिंग का क्या मतलब, मैं चाहूँ तो किसी एक को भेजूँ, मैं चाहूँ तो हर किसी को भेजूँ, ये मेरे ऊपर है, मैं किसको भेजूँ किसको नहीं भेजूँ, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर आप कस्टमाइज़ करते हो कि मेरे को ये फाइल भेजना है ये फाइल नहीं भेजना है, मेरी मर्ज़ी मुझे कब भेजना है मेरी मर्ज़ी मुझे कब नहीं भेजना है, तो इसके लिए स्टेजिंग, हमारा जो मिड वाला ब्लॉक है ना, ये जो हमारा ब्लॉक है स्टेजिंग, ये तभी काम आता है जब हम कस्टमाइज करते हैं कि हमें किस फाइल को आगे भेजना है, किस फाइल को ऐड करना है, किस फाइल को नहीं करना है, ठीक है। तो ये होता है स्टेजिंग का जो लेवल ब्लॉक है उसका एडवांटेज, ठीक है। तो चलिए अभी मैंने आपको एक पर्टिकुलर फाइल को ऐड करने के लिए बोला कि गिट ऐड और उस फाइल नेम का नाम एक्सटेंशन के साथ डाल दी। चलो मान लो आपके सारे के पांचों एकदम तैयार खड़े हैं, ये जो 5 फाइलें हैं, आपने 1 को तो पुश कर दिया, 2, 3, 4, 5 भी एकदम तैयार खड़े हैं, और सारे के सारे तैयार खड़े थे, ठीक है। तो सब कुछ ऐड करने के लिए टू ऐड ऑल, ये कमांड याद रख लीजिए, गिट ऐड, या तो माइनस माइनस ए देंगे तो भी चलेगा, या माइनस कैपिटल ए देंगे तो भी चलेगा, मैं बोलूँगा माइनस कैपिटल ए दो तो बेटर है, ठीक है। तो ये कमांड जब आप ऐड यूज़ करते हो और एंटर दबाते हो, कुछ एरर नहीं आया, मतलब कुछ तो हुआ है, एरर तो नहीं आया, अगर कुछ गलत हुआ तो एरर आता, ठीक है। अभी हम क्या करेंगे, गिट स्टेटस फिर चेक करेंगे कि भैया हुआ क्या। देखो उसने बोल दिया कि 5 के 5 फाइल ऐड हो चुके हैं, स्टेजिंग में जा चुके हैं, ठीक है। तो बस यही है कि आपने लोकल से स्टेजिंग में ये सारे फाइल्स को ऐड कर दिया है। चलो अब क्या करना है, अब हम करेंगे कमिट। उसका ये मतलब है कि देखिए यहाँ पे बार बार बोल रहा है कि नो कमिट सेट, और आपने एक चीज़, मैंने एक चीज़ बताना भूल गया, जब भी हम लोग ये गिट स्टेटस करते थे तो ये बोल रहा था ऑन ब्रांच मास्टर, जैसे ही हमने ऐड किया, सॉरी जैसे ही ऐड किया ऑन ब्रांच मास्टर, और यहाँ पर हमने जब सबको ऐड कर दिया तब भी बोल रहा है ऑन ब्रांच मास्टर। अभी ऑन ब्रांच मास्टर क्या होता है,
देखिए, रिपोजिटरी जो हम लोग बनाए थे हमारे प्रीवियस वीडियो में, उसमें ये था कि मास्टर ब्रांच बाय डिफॉल्ट होता है उस पर्टिकुलर रिपोजिटरी में। अगर आप कोई सेपरेट ब्रांच बनाते हो तो वो अलग कस्टमाइज्ड ब्रांच होता है। अगर आप कोई भी कस्टमाइज्ड ब्रांच नहीं बनाते मास्टर का, तो रिपोजिटरी का, तो वो बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में ही जाएगा। जैसे इस आर्किटेक्चर में मैंने यहाँ पे आपने लोकल से ऐड कर दिया, अभी स्टेजिंग पे डाल दिया पांचों फाइल। अब स्टेजिंग भी कमिट मारेगा ना रिपोजिटरी को, तो कहाँ मारेगा रिपोजिटरी में? रिपोजिटरी में एक पर्टिकुलर ब्रांच बनता है। वो ब्रांच अगर आप कोई सेपरेट ब्रांच नहीं बनाते तो बाय डिफॉल्ट कहीं तो जाएगा, तो वो डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच होता है, तो मास्टर ब्रांच पे जाता है। ठीक है, तो अभी हमने कोई सेपरेट ब्रांच तो बनाया नहीं, बाद में बनाएंगे, अभी तो शुरुआत कर रहे हैं, अभी तो बहुत आगे पढ़ना है। तो बस ये जान लो कि ये पांचों कमिट स्टेज पे आ चुके हैं, स्टेजिंग सर्वर पे आ चुके हैं, क्योंकि आपने उसको ऐड करके स्टेजिंग पे डाल दिया है। तो ये बाय डिफॉल्ट तैयार हैं कमिट होने के लिए मास्टर ब्रांच, रिपोजिटरी के मास्टर ब्रांच पे। तो चलिए कमिट करने का कमांड लिखते हैं, गिट स्पेस कमिट, थोड़ा स्पेस दीजिए, स्ट्रिंग में लिखिए फर्स्ट कमिट। आप पहली बार कमिट कर रहे हैं ना, ये स्ट्रिंग में आप कुछ भी लिखो भाई, लेकिन कोई मीनिंगफुल चीज लिखना। ठीक है, अभी एंटर दबा दो। सॉरी, मैंने कमांड गलत दिया। कमांड ये है गिट कमिट माइनस एम फर्स्ट कमिट। देखिए, अगर तो इससे हमें यह सीखने को मिली कि अगर हम गिट का कोई भी कमांड गलत देंगे तो गिट हमको कैसे इमीडिएटली एरर थ्रो कर देता है। समझ में आया? ठीक है, तो चलो हम गिट कमिट माइनस एम स्पेस स्ट्रिंग में कुछ भी आप लिखिए, कोई मीनिंगफुल चीज़। तो बस मैंने अभी इसको रन कर देना है, एंटर मारा। देखिए, तो ये क्या बोला कि मास्टर रूट कमिट पे पहला कमिट आपने कर दिया है, पांचों कमिट के लिए मास्टर ब्रांच पे तैयार खड़े हैं। ठीक है, तो ये होता है हमारा थ्री लेवल आर्किटेक्चर में कैसे काम करते हैं, कैसे इसको ऐड करते हैं फर्स्ट लेवल से स्टेजिंग पे, और स्टेजिंग से कैसे तैयार करते हैं कमिट। अभी देखो, कमिट ही किया भैया, कोड पुश नहीं हुआ है, कमिट हुआ है, मतलब हाँ कोड तैयार है। मैं इस वीडियो को यहाँ पर रख रहा हूँ, इस जाने से पहले मैं एक स्टेटस लगा दूंगा कि भैया क्या सीन है। अभी बोलता है कि ऑन ब्रांच मास्टर के लिए तैयार हो चुका है, कमिटमेंट हो चुकी है मास्टर ब्रांच के लिए। अभी कुछ एक्स्ट्रा चीज़ आपने बनाई नहीं है कमिट करने के लिए। तो चलो मैं काम करूँगा, मैं बोलूँगा कि मेरे फाइल 3 में ना कुछ गड़बड़ है, इसको 3.3 कर देता हूँ। ठीक है, सेव कर दिया। अभी क्या बोल रहा था इससे पहले कि कोई नहीं है हमको डालने को, कि नथिंग टू कमिट, क्योंकि आपने जो फाइलें बनाई सारा कमिट हो चुका। अब आप करो गिट स्टेटस और देखो मज़ा। क्या बोला? आपने एक फाइल मॉडिफाई किया है, ठीक है, आपने एक फाइल मॉडिफाइड कर दिया है, वो फाइल का नाम है फाइल 3, आपने मॉडिफाइड करके सेव किया है। तो गिट इतना शार्प है, इतना इंटेलिजेंट है, आप कुछ भी चेंज करोगे ना। मैंने तो यहाँ पर एक TXT फाइल बनाया, आप एक एक्सेल शीट दो, डॉक वर्ड डॉक्यूमेंट दो, कुछ भी करो, जो भी रीडेबल है, जो सेव होता है, गिट अगर उस चीज़ को यूज़ करके पुश कर रहे हो, कुछ भी एडिट कर रहे हो, तो गिट पकड़ लेगा। तो मैंने यहाँ पे फाइल 3 में कुछ चेंजेस किए और मैंने फिर से स्टेटस मारा, तो इसने बता दिया कि इसको अभी भी ये कुछ इसमें आपने चेंज किए हैं, तो इस चेंज को आप ये अभी अनट्रैक्ट मोड में है, मतलब ये अभी लोकल पे है, अभी इसको स्टेज करना है। तो आप बोलोगे ठीक है, मेरे को या तो आप गिट ऐड फाइल नेम दे सकते हो, फाइल 3.txt दे सकते हो, फाइल 3.txt दे सकते हो, तो भी चलेगा, लेकिन हम नहीं देंगे। गिट हमको और एक फैसिलिटी देता है, ओनली एंड ओनली जो चेंजेस किए हैं उनको ऐड करने के लिए, उसका कमांड है गिट ऐड स्पेस डॉट। इसका मतलब ये है कि जो भी आपने चेंजेस किए हैं, सिर्फ और सिर्फ चेंज्ड फाइल ही स्टेजिंग सर्वर में जाएगा, बाकी सब नहीं जाएंगे। ठीक है, गिट ऐड, गिट स्पेस ऐड स्पेस माइनस कैपिटल ए सब कुछ भेजता था, ये क्या करेगा, सिर्फ गिट स्पेस ऐड स्पेस डॉट सिर्फ आपका चेंज किया हुआ फाइल को भेजेगा। ठीक है, स्टेजिंग पे एंटर मार दो। अभी आप गिट स्टेटस कर लो चेक, बस मॉडिफाई हो गया फाइल, मॉडिफाई कर दिया, लेकिन आपने अभी कमिट करना बाकी है, क्योंकि फाइल तो स्टेजिंग पे जा चुका है, कमिट भी तो करना है। तो बस गिट कमिट माइनस एम कुछ लिखो, फाइल
कमिटिंग पोस्ट चेंजेस इन फाइल थ्री, स्ट्रिंग में डाल दीजिए। एक वो जो चेंज आपने किया था स्टेजिंग में डाला था उसको भी आपने कमिट कर लिया। अभी आप गिट स्टेटस करोगे ना तो वही बोलेगा कि नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन। जो ट्री जो है, आप ट्री को लेके कंफ्यूज मत होना, ट्री का क्या मतलब है मैं बता देता हूं। ये जो हमने स्टेजिंग बताया था ना, इसको हमने, मैं लेवल बोला आपको, थ्री लेवल आर्किटेक्चर, इसको ट्री भी बोलते हैं, ट्री लेवल आर्किटेक्चर मतलब ट्री बोलते हैं इसको, ट्री क्योंकि इसमें फोल्डर के अंदर फोल्डर के अंदर फोल्डर भी रहता है। देखिए ये क्या है, ये फोल्डर के अंदर अलग अलग फोल्डर भी तो हैं, तो इसको हम ट्री भी बोलते हैं, ठीक है, लेवल ट्री आर्किटेक्चर बोलते हैं ये जो ना। मैंने इसका क्या नाम दिया था आपको, मैंने इसको बोला था कि इट इज ए थ्री लेवल आर्किटेक्चर बोला था मैंने आपको, आप इसको थ्री ट्री लेवल भी बोल सकते हैं, थ्री ट्री लेवल या थ्री ट्री आर्किटेक्चर भी बोल सकते हैं। तो कुछ नहीं, ट्री का मतलब यह है कि फोल्डर वाइज चीजें रहती हैं आपके प्रोजेक्ट में, तो इन चीज को डिटेक्ट कर लेता है, यही मतलब है इसका, ठीक है। तो बस आपको इतने सारे चीजें याद रही होंगी, ठीक है। तो चलो अभी हम एक रिविजन कर लेते हैं कि अभी हमने क्या क्या किया है। ये स्नैपशॉट आप ले लेना, पहले हम करेंगे गिट स्टेटस, याद रख लीजिए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कमांड क्या रहेगा, गिट स्टेटस अगर आपको बोल देगा कि अगर वहाँ पे कोई गिट के साथ उस प्रोजेक्ट का कोई लेन देन है नहीं, तो बोल देगा कि फेटल है, ठीक है। अगर लेन देन हो चुका है ऑलरेडी तो फिर आगे बढ़ा देगा, वो नहीं हुआ है तो पहली बार कर रहे हो तो आप गिट इनिट करेंगे। जैसे ही आप गिट इनिट करेंगे एक डॉट गिट हिडन फोल्डर आ जाएगा, उसके बाद आप वापस गिट स्टेटस चेक कीजिए, फिर वो बता देगा कौन से फाइल्स आपके अनट्रैक्ट मोड में रेड कलर में आएगा, ठीक है। फिर आप उसको क्या करेंगे, अगर एक पर्टिकुलर फाइल को ऐड करना है तो आप उसका नाम देंगे गिट ऐड, उस पर्टिकुलर फाइल का नाम प्रॉपर एक्सटेंशन, गलती मत करना, ठीक है। अगर आप सब कुछ ऐड करना चाहते हैं गिट ऐड ऑल, तो आपको गिट ऐड कैपिटल माइनस ए करना पड़ेगा, ठीक है। ये स्टेजिंग में चला जाएगा, फिर आप इसको कर देंगे कमिट, गिट कमिट माइनस एम कुछ भी लिख दीजिए, फर्स्ट कमेंट कुछ भी कमेंट या कमेंट के लिए, ठीक है। तो इतना आपका काम। अगर आप मान लो फिर हमने क्या किया, हमने थोड़ा चेंज कर दिया एक पर्टिकुलर फाइल में, हमने चेंज कर दिया, तो मैं यहाँ पे कमेंट लिख देता हूँ वी चेंज समथिंग, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, चेंज करने के बाद हम जैसे ही गिट स्टेटस करेंगे वो वापस बता देगा क्या चेंज किया, फिर उस पर्टिकुलर चीज़ को हम ऐड कर सकते हैं, या तो फाइल नेम देके कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या बोला गिट ऐड स्पेस डॉट कीजिए, ताकि आपको पता चल जाए कि ओनली वही फाइल पुश करे। एक बार वो पुश हो गया, स्टेजिंग में जा चुका है, फिर उसको दोबारा कमिट कर लीजिए, गिट कमिट माइनस एम कुछ भी, सेकंड कमिट या जो भी, ये तो आपके हिसाब से है क्या क्या आपको कैसे इसको करना है। तो बस अभी तक हमने ये सीखा कि कैसे हम इन चीज़ों को लोकल से स्टेजिंग पे ला सकते हैं, और स्टेजिंग से कमिट करके बाय डिफॉल्ट मास्टर ब्रांच में रिपॉजिटरी में भेजने के लिए तैयार कर सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए फिलहाल इतना ही, अगले वीडियो का वेट कीजिए, और हो सके तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियोस बनाता हूँ। थैंक यू सो मच गाइस, सार्थक हियर साइनिंग ऑफ।